स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को ऋषिकेश का जानकी पुल दिखाएंगे, और आज तक तो इतना डिटेल में किसी ने दिखाया नहीं होगा, पूरा तो नहीं दिखाया होगा। आज हम एक एक चीज़ दिखाएंगे, देखते रहना आप लोग, बने रहना, पूरा स्किप मत करना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले इतना डिटेल में किसी ने नहीं दिखाया होगा, एक एक बारीकी से हम चीज़ दिखाएंगे, देखते रहिएगा, पर स्किप मत। ये जानकी सेतु पुल है, आगे भी इसके ऊपर चल के दिखाएंगे भाइयों, स्किप मत करना, देखते चलिए, एक एक चीज दिखाएंगे। गंगा जी के उधर का ये सीन है, अभी उधर चल के दिखाएंगे हम, अभी ऊपर चढ़ेंगे हम, थोड़ा उस साइड से अभी दिखाएंगे, अभी उस साइड चलेंगे, दूसरी साइड। ये देखो राम झूला भी दिखाई देता है यहाँ से, क्लियर 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, 1 किलोमीटर से कम नहीं है, 0.9 यानी कि 900 मीटर दूर। मौसम बहुत अच्छा है, देख रहे हो पहाड़ों के ऊपर का सीन कितना अच्छा, बादल भी छाया हुआ है, ये दोपहर का सब, ये देखो सीन। राफ्टिंग वाले यहाँ उतरते हैं जानकी पुल के पास, लक्ष्मण झूला के आगे गरुड़ चट्टी से चलते हैं। ये राम झूला देखो 900 मीटर दूर है यहाँ से जानकी पुल से, ये गीता भवन सामने दिखाई दे रहा है, उधर भी चलेंगे अभी। ये देखो पहाड़ों पे कितना अच्छा लग रहा है, अभी चलते हैं उधर भी दिखाएंगे आप लोगों को। आना कभी घूमने आप लोग भी, नीचे उतर के आप भी दिखाएंगे आप लोगों को, नीचे का भी नज़ारा देख लो आप लोग। नीचे राफ्टिंग जा रही, देखो पानी का बहाव बहुत तेज है इधर, शायद त्रिवेणी घाट का भी इतना तेज ना हो। जितना आगे बढ़ते जाओगे, राम झूला, लक्ष्मण झूला, गरुड़ चट्टी, जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही बहाव काफ़ी स्पीड बढ़ती जाती है ना। ये देखो साइकिल कैसे चढ़ाई पे चढ़ा रहा बंदा, राफ्टिंग वाले ये लोग यहाँ से उतर लेते हैं, फिर इधर से निकल जाते हैं, फिर से आगे से आते हैं गरुड़ चट्टी की तरफ से। ये देखो घोड़ा वाला ले जा रहा है, घोड़ा बालू वालू छाने का काम चल रहा है आगे। अच्छा उस साइड में ले चलते हैं, दूसरी साइड में देखते हैं, उधर से भी दिखा देंगे आप लोगों को। राफ्टिंग वालों को देख लेते हैं हम थोड़ा, कितना अच्छा लगता है ना, जब घूमने आए तो जरा ढंग से ही घूम लेना चाहिए। आप लोग तो आ नहीं सकते तो दिखाना पड़ेगा ढंग से थोड़ा। चलो बैठते हैं थोड़ा, सिबलिंग रखी हुई देखो नज़र आ रही है, देखो चलो सिबलिंग के पास चलते हैं। ये देखो यहाँ पे पानी तो बिल्कुल शांत लग रहा है, पर शांत नहीं है, किनारा है, थोड़ा अंदर जाओगे बहुत स्पीड है, थोड़े आगे पे देखना, बिल्कुल शांत लग रहा है पास से, बादल ही बादल छा रहा है। देखो इससे दो तीन दिन पहले बारिश इतनी हुई घमासान। ये देखो राफ्टिंग आ रही है, अगर पसंद आए आप लोगों को शेयर जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।
ऐसे ही आप लोगों को दिखाते रहेंगे हम अच्छा से अच्छा सीन। ये देखो क्राफ्टिंग, पास से भी देखना। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है भाई। मैं तो कभी बैठा भी नहीं हूँ, ना तो बैठ पाऊंगा लगता है। फालतू में कबाड़ है भाई, क्यों पैसा मैं इतना फूकूँ फालतू में? मेरे समझ में भाई नहीं आती भाई, जिसके समझ में आए वो बैठ के जाए भाई। ये देखो भाई मज़ा आता होगा भाई, मैं तो गया नहीं हूँ भाई, ऐसे बोल भी नहीं सकता हूँ भाई। जब जेब में पैसा हो ना तभी पता चलता है मज़ा क्या होता है भाई। बिना पैसा कुछ नहीं मज़ा लगता है, मेरे पास कोई आनंद वो नहीं है। ये लोग यहीं से उतर लेंगे बस, ये स्टॉप आ गया इनका राफ्टिंग वाले का। गरुड़ चट्टी से चलते हैं और यहाँ जानकी पुल के पास स्टॉप है इनका। ये देख रहे होंगे जानकी सेतु झूला। ये देखो झूला कितना बढ़िया सा लग रहा है, गंगा जी देखो चारों तरफ का ये नजारा। देख रहे होंगे जानकी सेतु झूला पे, मैं इधर नीचे गंगा जी का व्यू देख रहे होंगे, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर। पानी देखो कितना प्यारा लग रहा है, पानी नहीं जल है भैया, गंगा माता, मानो तो मानो, माता नहीं तो वरना बहता हुआ पानी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, उस साइड चलते हैं थोड़ा। इधर देखो चलो बढ़ते हैं आगे, से साइड से दिखाते हैं। ये देखो दूसरी साइड से देख लो, ये साइड से कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, इधर से भी चारों तरफ से दिखाएंगे भाई घूम घूम के। भाई गलत जगह पे आ गया भाई, ये शमशान घाट है भाई, पता नहीं था भाई, देखा नहीं बाद में पता चला, खड़े होने के बाद पता चला ये शमशान घाट यहाँ पे भाई, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ भाई। चलो कोई बात नहीं, अब आ गया तो आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। चलो देख लो क्या ये पार्किंग, चलो आगे चढ़ते हैं, पार्किंग वार्किंग एरिया है ये। देखो पार्किंग में कितना सारा राफ्टिंग वाले ही लगता है मुझे, स्टाफ है ना राफ्टिंग का। चलो आगे बढ़ते हैं, पुल के ऊपर से निकलते हैं। चलो एंट्री हो गई मेरी राम सेतु पुल से, तीन लाइन पुल है, बीच में पैदल चलते हैं, दाएं बाएं बाइक वाले आते हैं, गाड़ी वाले आते हैं। ये देखो रचमर झूला, राम झूला 900 मीटर दूर है, रचमर झूला 3 किलोमीटर है, नीलकंठ 25 किलोमीटर, बैराज 10 किलोमीटर, हरिद्वार 30 किलोमीटर, टैक्स स्टैंड 1.40 किलोमीटर। चलो बढ़ते हैं पैदल ही, नज़ारा पूरा दिखाएंगे भाई, स्किप मत करना। अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है भाई? हाँ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, पूरा दिखाएंगे, पैदल ही चलते चलते जाएंगे। आप लोगों का एक एक मिनट वेस्ट मत करना, आप लोग स्किप करोगे भाई पूरा नज़ारा बिगड़ जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही घूम लो, बिना आए आनंद कहाँ ले पाओगे भाई, घर बैठे आनंद ले रहे हो, पूरा घुमा रहे जानकी सेतु पुल, पूरा नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को, पूरा ऋषिकेश से घुमा देंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग, देखते जाओ भाई लोग, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसी जगह हीरो लोग आते हैं, एक्टर्स लोग आते हैं शूटिंग करने।
देखो भैया राम सेतु झूला कितना बढ़िया सा लग रहा है, बिल्कुल आने के लायक है, बहुत मजा आ रहा है। देख रहे हो भाई कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे टहलते हुए। आना कभी जरूर घूमना, पास ही में राम झूला है, लक्ष्मण झूला तो आजकल बंद है। बढ़िया है नज़ारा भी आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, देखो पीछे का नज़ारा आगे का नज़ारा देख पा रहे होगे आप लोग, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल देखने के लायक। देखते रहिएगा भाई लोग, साथ मत छोड़िएगा, गाना भी सुनते जाइएगा, तेरा साथ है कितना प्यारा, बस साथ मत छोड़िएगा वरना मजा नहीं आएगा ना। पूरा देखो, लोगों भाइयों को बताना, अगर जानकी पुल का पूरा मजा लेना है तो मेरे भाई के चैनल पर जाओ, डमरू बाबा ब्लॉग के चैनल पर जाओ भाई, हम पूरा पूरा बारीकी से दिखाते हैं, ऐसा कोई नहीं दिखाएगा भाई, पूरा आनंद लो आप लोग। देखते चलो, थोड़ा बचा है, थोड़ा सा और बचा है, इसको भी दिखा देते हैं आप लोगों को, बस फिर नीचे से दिखाएंगे, नीचे से इतना बढ़िया लगता है उस साइड से, हम एक दो बार जा चुके हैं, दिखाएंगे, देखते रहेंगे आप लोगों। राम झूला यहाँ से 600 मीटर दूर है, भूतनाथ चलेंगे कभी दिखाएंगे 1.7, लक्ष्मण तो झूला बंद है आजकल, वो जब चालू अभी तो हो नहीं पाएगा भाई, 5-6 साल लग जाएगा मुझे लगता है। लोग कहते हैं कि शीशे का पुल बनेगा, शीशे का पुल, अब हो भी सकता है भाई, लोग अफवाह भी उड़ा देते हैं शीशे का पुल बनेगा, अब देखेंगे क्या बनेगा पुल। चलो थोड़ा बचा है आप लोगों को, इतना भी दिखा देते हैं, पूरा ख़त्म हो गया है, लास्ट का था, श्री वेद निकेतन धाम है ये। चलो आप लोग को दिखाते हैं नीचे उतर के, देखो कितना बढ़िया यहाँ से देख, आप लोग जानकी पुल का पूरा आनंद ले रहे होंगे। देखो भाई दोनों साइड से आप लोगों को मैंने दिखाया, ये जानकी पुल है, कितना बढ़िया लग रहा है, चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये श्री वेद निकेतन धाम महामंडलेश्वर जी का है, चारों तरफ का नज़ारा देखो भाई, कितना बढ़िया राम सेतु पुल लग रहा है, अभी और भी दिखाएंगे, देखते रहिए आगे, कितना सुंदर व्यू आ रहा है भैया, कितना प्यारा प्यारा लग रहा है राम सेतु पुल। ये देखो गंगा जी का बिल्कुल नीला हरा हरा पानी लग रहा है भाई, ये देखो ऐसा कौन नज़ारा दिखा पाएगा आप लोगों को, बिल्कुल पास से मैं दर्शन करा रहा हूँ। ये देखो अब यहाँ गाय पशुपालन भी है केंद्र, अभी आप लोगों को वहां से भी दिखाएंगे पास से, फुल वीडियो देखना है, फुल नज़ारा लेना है इधर का, ऋषिकेश राम सेतु पुल के बारे में पूरी जानकारी इधर में चारों तरफ घुमाएंगे आप लोगों को, फुल वीडियो देखने के लिए स्किप मत करना भाई लोग। ये देखो भाई पशुपालन केंद्र है गायों का, सारी गाय माता हैं यहाँ पे, गंगा जी के किनारे ये है, ये देखो चारा मुक्त मिलता है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, सरकार की कृपा है ये सब, कितना अच्छा लग रहा है उधर, पता नहीं पीले वस्त्रों में पंडित जी हैं, पता नहीं क्या से क्या कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा, इतनी दूर हम नहीं जा पाएंगे, हम इधर का आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे पुल की तरफ। चलो आगे की ओर हम लोग ले चलते हैं आप लोगों को, अब थोड़ी देर पहले हम लोग उस साइड में थे, अभी देखो जूम करके दिखा रहा हूँ कहाँ पे थे,
ये राफ्टिंग वाले बैठे, यहाँ पर हम बैठे हुए थे, उधर से आपको नज़ारा दिखा रहे थे, अब आप लोग दूसरी साइड से नज़ारा देख रहे होंगे। कितना अच्छा अच्छा आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहिए आप लोग, सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, बढ़िया लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं भाई, आगे देखते रहिए, अभी और भी दिखाते हैं। ये देखो ये महिला घाट है भाई, ये यहाँ पे सामने बिल्कुल महिला घाट, ये देखो चिड़िया देखो उड़ रही है, कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है, ऐसी फैल है भाई यहाँ पे, कभी आके देखना। ये वानप्रस्थ आश्रम लिखा है, बिना मास्क अंदर जाना मना है। भाई बिना मास्क के तो नहीं जा सकता हूँ, आश्रम है, आश्रम की तरह होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे आश्रम में क्या होता है। ये देखो भाई साहब डुबक कितना आ रहे हैं, तैर रहे हैं, गहराई तो है नहीं, दिखावा करते हुए नजर आए। ये देखो ये पुरुष घाट है, और यहाँ पे महिला घाट था, अभी दिखाया था यहाँ पे महिला घाट। ये देखो अभी उधर से दिखा रहे थे, अभी इधर से हम आप लोगों को उधर का नज़ारा दिखाएंगे, देखते रहिए बने रहें। ये देखो इधर से बढ़िया लग रहा है, उधर से मेन चीज तो इधर ही है भाई, बच्चे को देखो भाई कितना मजा ले रहा है, अरे ठंडा ही पानी इतना है क्या करें। अच्छा चलो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी तैर लेता है भाई, कितना छोटा बच्चा, हमें यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये भी कूदेगा इतनी गहराई में। हमें तो भाई बहुत डर लगता है भाई, इतना एक तो बहाव इतनी तेज है। चलो हम भी किसी दिन जंप लगाते हैं भाई गंगा जी में, दिखाएंगे हम भी कैसे डुबक्की लगाएंगे, पर गहराई में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता है ना, बच्चे तो तैर भी लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, राम नारायण ये घाट है, राम जी नहाने आते थे इधर। ये देखो दूसरा देखो बंदा आ रहा है, चलो संत घाट, ये यहाँ लोग साधु संत लोग आते हैं नहाने, ये संत घाट से कहा जाता है। आगे का देखते हैं क्या है भाई, ये आगे भी देखो, ये देखो जल दिखाते हैं आगे का भी, ये भी नज़ारा, ये देखो कितना बढ़िया बहाव तो देख लो भाई, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस भी नहीं कहा जा सकता, सुपर फास्ट, कितना बढ़िया भाई नज़ारा। ये सीन भाई आप लोगों को स्क्रीन शॉट ले लेना चाहिए यहाँ का, ये देखो अगर, ये देखो बिल्कुल कितना बढ़िया, बिल्कुल भैया कैमरे के पास से जा रही गंगा मैया, मत्था टेको भाई, बोलो गंगा मैया की जय। ये देखो गीता भवन है, ये भी बहुत बड़ा है, गीता भवन माना जाना है भाई, गीता भवन। ये महिला घाट है, इधर लिखा है महिला घाट, नया बना है ये, नया बना है, महिला घाट है, यहाँ दोनों नहाते हैं, पुरुष महिलाएं, महिला अकेले वैसे भी नहीं नहाती हैं, आप लोग पता होगा डरती हैं भाई, इतना बहाव है। चलो बस गीता भवन इतना ही दिखाएंगे आज, बाय बाय।